के वाई पी जेड ए एन ये तो बुझ ही नहीं रहा शाने ने Guys, we are at Clock Tower and today is our anniversary, so we are over here for our anniversary dinner. Radhan. Hello. We are going upstairs for the dinner of our anniversary. So this is the special venue today, जो मेरे लिए सरप्राइज था बिल्कुल. और फजान जो है वो मुझे क्लॉक टावर लेके आए और मुझे कहा था कि हम कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह एक्सप्लोर बहुत करते हैं एज यू गाइस नो, बट क्लॉक टावर एक ऐसा वेन्यू था जहाँ मैं अभी तक आई नहीं थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर भी आ गए और ये देख सकते हैं आप इसका एम्बियंस. अभी जो है हम लोग आ चुके हैं रूफ टॉप पे, रूफ टॉप का भी आपको सीन दिखाएंगे. What's going on? Where are you? इनमें कहाँ है वो बताएंगे जरा मुझे. ये कह रहे हैं कि नहीं व्हाइट क्रीम में सॉस में होता है, स्पाइसी होता है. आज सारा फूड जो है वो मेरी पसंद का होगा और फजान की पसंद का भी. इट्स अ नाइट टाइम नाइट आवर्स सो दैट्स व्हाई इतना कोई क्लियर व्यू नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही कोई मज़ेदार व्यू है क्लॉक टावर का, फुल ऑफ लाइट्स. गाइस वी आर एट क्लॉक टावर एज आई टोल्ड यू और आज जो है वो मेरा एक सरप्राइज डिनर था. अच्छा फजान ने मुझे दिन भर बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, उसने मुझे कहा कि रेडी हो जाओ और व्हेन वी आर कमिंग ओवर हियर, तो मुझे कुछ हिंट तो दी कि हम आ रहे हैं क्लॉक टावर. बट मुझे अच्छा लगा कि यार एक मतलब कि आपके स्पेशल डे पे आपकी एक पसंद की जगह पे आपको लाया जाए और अच्छे से स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाए. और यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दो दरिया साइड वगैरह तो काफ़ी आता है, लेकिन यहाँ पे इतफाकन आना ही नहीं हुआ. कितनी दफ़ा यहाँ पे गुजरे लेकिन हमेशा दो दरिया हम लोग चले जाते हैं, लेकिन टुडे फाइनली वी आर ओवर हेयर. और अब यहाँ का फूड वगैरह ट्राई करेंगे, क्योंकि यू नो कि हमारी जो प्रायोरिटी है हमारी वीडियोज़ की वो यही होती है कि हम फूड एक्सप्लोर करें. तो आज यहाँ का फूड एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग को बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि यहाँ का फूड है कैसा. और मौसम तो आप लोग को पता है ही बहुत ही अच्छा, और इंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह आप लोग सुबह मिलते हैं खाने के टाइम पे. राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लोर द फुल रेस्टोरेंट और आप लोग को फिर ताकि दिखाऊँ. जो लोग नहीं आए मेरी वीडियो के थ्रू उनको पता लग जाए कि यहाँ पर एम्बियंस कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर. और हुआ तो आप लोग को किचन विजिट भी ज़रूर करवाएंगे, किचन छापा तो मस्ट है ना यार. फिर हेलो राइट नाउ आई एम गोइंग डाउन स्टेयर अगेन. उस वक्त तो हम लोग आ रहे थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि यार एक आप लोग को पूरा टूर देना चाहिए कि यहाँ पर बेसिकली है क्या क्या. तो अभी ये जो देखें आप लोग, मैं डाउन स्टेयर जा रही हूँ और यहाँ पे एक अच्छी सी ये पूरी एक पेंटिंग बनाई गई जिसमें वही क्लॉक टावर वाली एक पूरी फील दी गई है. और नीचे अच्छा एक्सक्यूज मी नीचे जो है ये क्या है? ये जी ये बीच व्यू. अच्छा बीच व्यू वाला क्या है? ऊपर जो है वो क्लॉक टॉप है. ये हम लोग जो है वो आ चुके हैं बीच व्यू. सो अभी जो है वी आर गोइंग डाउन स्टेयर्स अगेन. यहाँ पर रिसेप्शन वगैरह पर भी हम लोग बात करेंगे ये सीन्स हैं क्या, और आप लोग को अच्छे से जो है ना वो पूरा टूर देता है. दिस इज द ग्राउंड प्लेस. जो जैसे आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर ये पूरा एक बुफे साइड है. अभी हम लोग ने तो मेन्यू अलग वगैरह जो है वो सीन करवाया और यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं बुफे सीन है. एंड दैट्स नॉट अ बैड, बहुत बहुत अच्छा लेवल का बना हुआ है. आई डोंट लाइक इट. सो आई एम हेयर एंड देयर इज अ मैनेजर बाबर साहब है हमारे साथ एंड सर्वर साहब है हमारे पास. तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर कोई गाइडलाइन होनी चाहिए ना प्रॉपर, जिनसे हम बात करें और आप लोग को दिखाएँ कि खाने की स्पेशलिटीज़ क्या हैं और किस तरह से यहाँ पे वर्किंग चल रही होती है. तो पहले हम चलते हैं बाबर साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि खाने में क्या क्या होता है और लोग क्यों आए यहाँ पे. जी बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप?
अच्छा यहाँ क्यों आए मैम ने पूछा, यहाँ इसलिए आए कि देखिए कनाडी में फर्स्ट टाइम जो है लाइव किचन है हमारे पास, लाइव बुफे, ये तमाम किचन आप देख सकते हैं, ये सब लाइव जो है गुड थिंग, क्योंकि चीज़ वो खानी चाहिए जो आपके सामने बने। आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, मेरा से कराची में ये पहला या दूसरा रेस्टोरेंट है जो आप लाइव बुफे किस तरह दे रहे हैं, और विंड कुजीन है हमारे पास, चिकन कुजीन है, लाइव चाइनीज, लाइव फ्राइड फिश के लिए स्टेक्स भी आपको जो है वो लाइव मिलते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि दो दरिया साइड भी अभी लास्ट टाइम हम गए थे अल्फ़ा, वहाँ पर नाम नहीं लूँगी लेकिन वहाँ पर भी लाइव जो है किचन को हम नहीं दिखाते, दिखाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर इतनी ह्यूज वैरायटी में लाइव आइटम आपको मिल रहा है, तो आप मुझे बताएं कि कौन से टाइमिंग का, जैसे अभी तो हमें हम रात के टाइम पे आए हैं, तो किस टाइम पे आना चाहिए कि अच्छा बुफे मिले? हाँ स्टार्टिंग टाइम पे आए हैं, हमारे दो स्लॉट्स होते हैं, 7 बजे स्टार्ट होता है हमारा बुफे, 7 से 9 एक शिफ्ट है हमारी, 9:30 से 11:30 दूसरी, तो उसमें ये कि आपको 100+ आइटम मिलेंगे। ठीक है, और स्पेशलिटी जो है हमारी आप दिखा सकते हैं लाइव कुकिंग जो हमारी लाइव, तो यहाँ पर अभी ये सब चीज़ें अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी तो खैर ये बता रहे हैं आपको जैसे कि क्या अभी यहाँ पर ये आप देखें, ये सब लाइव आपको ट्रेंड का टाइम है, लेकिन ये लाइव भाई ये मत सोचिए कि खाली खाली चीज़ें, ये सब माशाल्लाह लोग समझ रहे हैं ना, खा चुके हैं, यहाँ पर ये है कि मैं थोड़ा लेट आई हूँ तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को मैं दिखाऊँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फ्राइड प्राउन कितनी अच्छी, ये आप देख सकते हैं क्वालिटी में है, यहाँ पर यू कैन सी दिस। मैं एक चीज़ में और ऐड कर सकूँ आपको कि अगर आपने इस डिश में से नहीं लेना, शेफ के साथ लाइव है, आप इनको बोले कि मुझे 4 पीस या 5 पीस लाइव बना के दे, आपको लाइव दैट्स ग्रेट थिंग, कि आपको अगर कोई चीज़ इसमें आपको लग रहा है कि यार कोई फॉल्ट है या वो शायद ठंडा हो गया, तो यहाँ ये जो आपको सब दिख रहे हैं यहाँ पे शेफ, दे विल मेक यू लाइव, और क्या चाहिए आप लोग को। और मैंने अभी तक जो पूरा एक्सप्लोर किया है वेन्यू के हिसाब से बहुत ही कोई रीजनेबल प्राइजेस हैं, जो मतलब मैं कहती हूँ नॉट बैड, अगर आप आ रहे हैं तो इजी है, ये नहीं है कि आप सोच रहे हम क्लॉक टावर जा रहे हैं, क्लिफ्टन जा रहे हैं, DHC जा रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव होगा, ये बिल्कुल ओके है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे? हमारे पास जो है ग्रिल चिकन है, डिफरेंट सॉसेस ये आप देख सकते हैं, ये भी बुफे में फर्स्ट टाइम है, नाइस ये लाइव चिकन जो आप लोग स्टेक्स वगैरह टेरोकॉन के साथ या मुर्गा के साथ, वो आपको लाइव यहाँ पर मिलेगा, ये फर्स्ट टाइम है बुफे। अच्छा, आई हैव सीन वन थिंग, हलवा पूरी भी है, नाइस जबरदस्त, अभी है जी बिल्कुल मिलेगी आपको, जबरदस्त पूरी जो है ऑन रिक्वेस्ट देते हैं गरम, जबरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छा सीन है यार। अच्छा मुझे ये बताएं कि बुफे के क्या प्राइस है हम लोगों के? बुफे हमारे पास डिनर बुफे जो है वो 2240 का है, 2240 रुपए पर है, और विद टैक्स है 2240 प्लस टैक्स, ना करें 2240 रुपए में पूरा बुफे आप लोग दे रहे हैं, नॉट अ बैड डील। आप लोग आए यार यहाँ पे जल्दी जल्दी क्लॉक टावर की तरफ आए, जबरदस्त यार, क्या चाहिए आप लोगों को, इतना रीजनेबल बुफे और इतनी जबरदस्त मेन्यू पे, मैं समझती हूँ कि पैसे वसूल है अगर आप आ रहे हैं ना, और इतना अच्छा खाना आपको इतना रीजनेबल मिलता है, तो मैं कहूँगी कि आप मेन्यू पे ना जाएं, डायरेक्ट आप आएँ बुफे खाएँ और आराम से पेट भर के घर पे जाएँ। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और यू गाइस मस्ट कम ओवर हियर, यहाँ पर और भी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बुफे में, तो हर चीज़ तो आपको डेफिनेटली नहीं दिखा सकते, सैलेड सेक्शन वाई नॉट यार, क्योंकि आजकल मैं डाइट पर हूँ तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाइट, वो वाली डाइट है जो बस चीज़ों को देख के स्टार्ट यार, फिर देखें ना ये डाइट ख़राब हो जाती है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इतनी मज़ेदार चीज़ों की। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वेजिटेबल पास्ता है, मैक्सिकन सैलड है, यहाँ पे जर्मन पोटैटो सैलड है, मैक्रोनी सैलड है, चना चार, रेड बीन्स, रशियन सैलड, एप्पल, कैबेज, ऑल थिंग इन वन रूम। आई एम एट पेरियो, और यहाँ पर आप ये देखें स्ट्रीट, अभी यहाँ पर पूरा सी साइड व्यू है, और हम लोग जो बैठे हुए ना वी आर ऑन टॉप, यहाँ पर इस तरफ बैठे हुए वो रहा फैज़ान, वो आप देख सकते हैं फैज़ान, देख सकते हैं आपको, आई रियली लाइक इट, बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा है, और क्योंकि अब विंटर्स आ रहे हैं ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और बहुत अच्छा व्यू है वहाँ पर, देखें लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है मैच की, लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं, खैर मैच चल रहा है वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यार, यू गाइज मस्ट कम ओवर हियर, और रिव्यू जो है मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट दिया है, मेन चीज़ अभी खाना है, खाना आ जाए तो फिर आप लोग को बता दें खाना कैसा लगा। हाय टू बेबी, हेलो, Shani, are they your friends? Maybe. Are they your friends, Shani?
What are you doing? Yes. What happened to you? You wanna do a walk? Yep. Okay, you are locked now. So here is our sector. Everything is good. खाने में थोड़ा time लगा है. मुझे ये समझ नहीं आया कि शायद रश वर्ष था जल्दी, लेकिन हियर इज आर डिनर हमारे ये ना भाई. ओके जी, रेशमी मखनी हांडी. या या रेशमी पनीर, रेशमी हो गया. या या इनको भी भूख लगी, खाएंगे. खाना खाना बहुत अच्छा लग रहा है. जो एक्चुअली मखनी होता है ये मखनी रेशमी हांडी, पनीर रेशमी हांडी, पनीर रेशमी हांडी है. पनीर पूरा टॉपिंग में भी थी वर्सेस की अच्छा लगा था. ये मैं खा के बता रहा हूं, ये अच्छा लगा. ऑनेस्ट रिव्यू. व्हाइट हांडी प्लस पनीर वाला जो थी ना, वो वाला है अच्छा है, टेस्ट अच्छा है. कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो खाना. रिजवान भाई कोई भी मेरे केयर ऑफ आएगा तो आपको बहुत अच्छी प्रोटोकॉल देंगे. माशाल्लाह जो भी आपका नाम लेंगे तो हम फर्स्ट में पसंद ही उनको जो है मॉनिटर करेंगे. माशाल्लाह ये प्रॉब्लम से. हाउ इज इट? सही है, चाइनीज सही है, लेकिन जो ये पनीर हांडी थी ना, दिल जीत गया था, बहुत मजे का था. सो गाइस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद आवर डिनर एंड हांडी बॉस डैम गुड. बहुत बहुत मज़ेदार थी एज फैजान टोल्ड यू. लेकिन चाइनीज़ जो है ना वो अच्छे थे, ये नहीं कह सकते कि बहुत वाव थे. चाइनीज़ को अगर मैं रेट करूँ ना 10 out of 5, थोड़ी सी एगी स्मेल भी आ रही थी. आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ठंडा वंडा हो गया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो मज़ेदार सीन नहीं था जिस तरह होते ना चाइनीज़ के. मैं खा के ही बोलूँ वाह मज़ा आ गया. हांडी हाँ बोल सकते हैं कि हांडी नो डाउट इट वॉज फ्लॉलेस. अगर इफ़ आई रिकमेंड यू कि यहाँ पर आप आएँ तो आप लोग इसलिए यहाँ पर आ सकते हैं कि आप इनका बारबेक्यू ट्राई करें और इनका जो हांडी शांडी वाले सीन्स हैं वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं. तो ये है हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा. और हम आपकी बात फैजान से भी ज़रूर कराते हैं कि फैजान को कैसा लग रहा है. माशाल्लाह 2 years वी हैव कम्प्लीटेड विद ईच अदर. और पूछते फैजान के व्यूज हैं. फैजी अलहमदिल्ला 2 साल मुकम्मल हो गए हैं शादी को. अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी साथ और भी आगे हमें लॉन्ग लाइफ दें, आमीन. और अच्छा लगा, टाइम पता नहीं चला, बस गुजर ही आता टाइम, पता नहीं चलता. यही कहूँगा आप लोग से, इन्जॉय करें लाइफ को बस. थैंक यू. सबसे अच्छी चीज़ माशाल्लाह इन 2 साल में माशाल्लाह माशाल्लाह. तो आप लोग से भी गुजारिश है कि मेरी बेटी शानदार के लिए बहुत सारी दुआएं किया करें और दुआओं में याद रखा करें, जब भी देखा करें माशाल्लाह कह दिया करें. और व्लॉग को यहीं पर ही हम लोग एंड करते हैं. उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा. इफ यू गाइस लाइक माय टुडेस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन. दिस इज मी सैयद आयशा अली साइनिंग ऑफ टू यू. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह ताला जल्द मुलाकात होती है एक न्यू व्लॉग के साथ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.